टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, क्या क्या टूल्स है बायोटेक्नोलॉजी के लिए। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, एक तो क्या हो गए, एंजाइम्स हो गए, है ना। सो टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, पहले फर्स्ट नंबर पे एंजाइम्स आ गए, राइट। एंजाइम्स आ गए, एंजाइम्स कौन से, एक तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमने यूज करने, व्हाट आर दीज, ये करेंगे हम अभी, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। एक आ जाएंगे लाइगेज, लाइगेज एंड एक एंजाइम्स आ जाते हैं डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, ओके। ये तीनों बायोटेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। एक और एंजाइम है जो एनसीईआरटी में नहीं दिया, उसकी ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, नेम लिख देती हूँ, थोड़ा सा बता भी दूंगी आगे जाके, सो दैट अगर आ जाए कि कौन से एंजाइम यूज होते हैं बायोटेक में, वी शुड नो दैट कि वो भी यूज होते हैं एंजाइम, ठीक है। सो उसका नाम क्या है, एल्केलाइन, एल्केलाइन फॉस्फेटेज, T4 पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, ठीक है, ये एंजाइम, राइट। सो ये एंजाइम हो गए। फिर हम करेंगे कि क्लोनिंग वेक्टर रिक्वायर्ड है, टूल्स है ये, क्लोनिंग वेक्टर रिक्वायर्ड है, राइट। देन द होस्ट सेल, दिस इज आल्सो द टूल ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी, एंजाइम्स, क्लोनिंग वेक्टर चाहिए, होस्ट सेल से, ठीक है, राइट। देन क्या है, अभी हम बात करते हैं न्यूक्लियस की, राइट। पीछे रह गया किसी का तो लिख लो आप। नेक्स्ट है न्यूक्लियसिस, न्यूक्लियसिस, व्हाट आर द न्यूक्लियसिस, न्यूक्लियसिस न्यूक्लियसिस, जो न्यूक्लियसिस है, न्यूक्लियसिस क्या होते हैं, एसिस जिसके पीछे लग गया, एंजाइम्स हो गए, ठीक है, एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट द, एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड्स, एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, दोज आर कॉल्ड न्यूक्लियेसेस, दोज आर कॉल्ड न्यूक्लियेसेस, ठीक है। जो न्यूक्लिक एसिड्स को डाइजेस्ट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, न्यूक्लियेसेस, राइट। अब न्यूक्लियेसेस न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करते हैं, मतलब उसमें कोई बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे, ठीक है, बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे। जैसे डीएनए में आपने देखी है कि बहुत सारी बॉन्ड्स होती हैं, डीएनए की हमने स्ट्रक्चर की थी, है ना। पर्टिकुलर कौन सी बॉन्ड ब्रेक करते हैं ये भी अब कर लो, ऑल्दो इट इज नॉट रिटन एज सच इन द एनसीईआरटी, ठीक है, बट आप लिख लो फॉस्फो एस्टर, क्योंकि दिस इज द जनरल थिंग, आपको पता होना चाहिए, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, ठीक है, ये ब्रेक करेंगे, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, राइट, बिटवीन द शुगर मॉलिक्यूल एंड द फॉस्फेट जो बॉन्ड बनी थी, दैट इज कॉल्ड द फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, उसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं जो न्यूक्लियेसेस है, राइट। न्यूक्लियेसेस है टू टाइप के होते हैं, न्यूक्लियेसेस आर ऑफ टू टाइप्स, न्यूक्लियेसेस टू टाइप के हैं, आरएनएसिस जो आरएनए को डाइजेस्ट करेंगे, आरएनएसिस RNAs and the DNAs and the DNAs, ठीक है। इसने क्या करना है, RNA की बॉन्ड ब्रेक करनी है, मीन्स RNA को तोड़ना है या डाइजेस्ट करना है, राइट। इसका काम क्या होता है, ब्रेक DNA, ब्रेक DNA, ठीक है, ब्रेक DNA। तो हमें बायोटेक्नोलॉजी में तो यही रिक्वायर है, वी रिक्वायर इट इन बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी में हमें इसकी जरूरत है, डीएनए की, आरएनए, आरएनए, आरएनए तो हमारे में जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं, है ना,
ठीक है, ऑल्दो हम कहते हैं कि जहां पे डीएनए पड़ा होता है कुछ आरएनए भी पड़ा होता है, तो आरएनए कहाँ से आ गया? डीएनए से क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होती है, आरएनए बनता है, आरएनए बन के न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में चला जाता है, बट कुछ आरएनए वहां पे अननेसेसरी जो पड़ा होता है अभी बाहर नहीं गया, उसे ब्रेक करते हैं आरएनए, ठीक है, जिसकी वहां पे जरूरत नहीं है, राइट? सो ये वाला जो डीएनए था दैट इज रिक्वायर्ड. अब जो डीएनएस है, ठीक है, डीएनएस है, आगे फिर टू टाइप के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियेसेस एंड एंडोन्यूक्लियेसेस, ठीक है, जिसकी हमें जरूरत है इसकी बात करते हैं. न्यूक्लियेसेस, न्यूक्लियेसेस में हमें कौन चाहिए? डीएनएस. जो डीएनएस है फिर है, इसको हम कह सकते हैं कि ये एक्सोन्यूक्लियेसेस हो सकते हैं या फिर एंडोन्यूक्लियेसेस, एंडो न्यूक्लियेसेस, ठीक है, एक्सोन्यूक्लियेसेस एंड द एंडो न्यूक्लियेसेस. एक्सोन्यूक्लियेसेस कौन से होंगे? जैसे ये सपोज डीएनए है, ठीक है, डीएनए है, ये इसका 5 एंड हो गया, 3 एंड हो गया, राइट? तो यहाँ पे वो क्या करेंगे, डीएनए को एंड्स पे कट लगाएंगे, ठीक है, एंड्स वाले पार्ट को वो कट लगाएंगे, ठीक है, जो टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड है उसको रिमूव करेंगे, ठीक है. तो विच रिमूव, एक्सोन्यूक्लियेसेस क्या हो गए, विच रिमूव टर्मिनल टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड्स, जो टर्मिनल न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करते हैं, एंड्स पे कट लगाते हैं, ठीक है, इस पे कट लगा दिया, इसको रिमूव कर दिया, फिर नेक्स्ट पे कट लगा दिया, उसको रिमूव कर दिया, ऐसे वन बाई वन करके ये क्या करेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स को रिमूव करेंगे जितनी भी इनकी जरूरत है, ठीक है, राइट? फिर एंडोन्यूक्लियेसेस, एंडोन्यूक्लियेसेस में क्या है, यहाँ भी जैसे आप कोई डीएनए बना लो, दिस इज द डीएनए, डबल स्ट्रैंड बना लो, मैंने सिंगल बना दिया, ठीक है, जैसे सिंगल से समझा देती हूँ, कंप्लीट डीएनए मान लो, तो ये क्या करेंगे, जो एंडोन्यूक्लियेसेस है, एंडोन्यूक्लियेसेस आप लिख लो, विच ब्रेक फॉस्फोएस्टर बॉन्ड इन बिटवीन डीएनए चेन और द चेन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, इन बिटवीन द चेन, ये चेन बनी हुई है न्यूक्लियोटाइड्स की, तो यहां पे कहीं कट लगाना है ना, डीएनए को बीच में कहीं ब्रेक करना है, ठीक है, एंड स्पिन, राइट? इसने क्या किया था, एक्सोन्यूक्लियेसेस ने एंड पे ब्रेक किया था, एंडोन्यूक्लियेसेस क्या करेंगे, बिटवीन द डीएनए चेन यहाँ पे ब्रेक करेंगे एंडोन्यूक्लियेसेस, ठीक है. तो ब्रेक तोड़नी कौन सी बॉन्ड है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड ही तोड़नी है दोनों में, चाहे एक्सोन्यूक्लियेसेस चाहे एंडोन्यूक्लियेसेस, ये बॉन्ड का याद रखना, ठीक है, जब भी कट करेंगे एंडोन्यूक्लियस तो क्या करेंगे, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड्स ब्रेक करें यहाँ पे, ठीक. फिर जो एंडोन्यूक्लियिज्म की बात करते हैं, फिर से हम एंडोन्यूक्लियस ने, ठीक है कि डीएनए में कहीं भी अंदर कट लगाना है, विद इन द डीएनए, ठीक है, राइट राइट. बट ये ना कुछ जो एंडोन्यूक्लियस होते हैं, टू वेज से डीएनए को कट करेंगे, टू वेज हैं इनके डीएनए को कट करने के, टू वेज हैं. एक तो वे क्या है, राइट, ये तो या तो क्या करेगा, कट करेगा डीएनए को ओनली वन स्ट्रैंड में, ठीक है, इफ कट डीएनए एट वन स्ट्रैंड ओनली, है ना. तो जो स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड डबल स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड पे कट लगाया, दूसरे स्ट्रैंड पे कट नहीं लगाया, तो उसे क्या कहते हैं कि निक फॉर्मेशन होती है, इट फॉर्म्स द निक, ये हमें नहीं रिक्वायर्ड, है ना, ठीक है. फिर क्या है, जो डीएनए है एंडोन्यूक्लियस है, डीएनए को कट करता है, इफ कट डीएनए ऑन बोथ स्ट्रैंड्स, ठीक है, तो ये क्या बनाते हैं, इसने तो निक बनाया था ना, इसने क्या बना दिया, ब्रेक फॉर्म्स ब्रेक,
ठीक है. सो हमें एंडोन्यूक्लियस कौन से चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में, जो ब्रेक बनाते हैं, ब्रेक करते हैं. ठीक है, वी नीड दिस एंडोन्यूक्लियस, दीज एंडोन्यूक्लियस इन बायोटेक्नोलॉजी, राइट. ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं इसी में जो एंडोन्यूक्लियस है. ठीक है, तो उनमें से हम कुछ एंडोन्यूक्लियस को क्या कह देते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. कुछ को सिंपली एंडोन्यूक्लियस भी बोला है. ठीक है, जो सिंपली एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं वो तो क्या कहीं भी डीएनए पे कट लगा सकते हैं. ठीक है, टर्मिनल्स पे नहीं लगाएंगे, अंदर कहीं भी. ठीक है, बट जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं ना, ये स्पेसिफिक साइट्स पे कट लगाते हैं, इसलिए रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं. ठीक है, कट एट स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस, स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस. ठीक है, सो स्पेशल टाइप ऑफ एंडोन्यूक्लियस आर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस व्हिच कट द डीएनए ओनली आफ्टर दे रिकॉग्नाइज अ डीएनए सीक्वेंस. ये क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं एक पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस को, डीएनए सीक्वेंस को. ठीक है, डीएनए है कंप्लीट, उसमें बहुत सारे सीक्वेंसेस पड़े हुए हैं, ये नाइट्रोजन बेस पेयर्स पड़े हुए हैं. ठीक है, तो पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, डीएनए को पूरा ओवर द लेंथ रीड करेगा पहले, फिर वो क्या करेगा, क्या करेगा, एक उनकी रेकॉग्निशन साइट्स होती हैं. ठीक है, डीएनए सीक्वेंस को रेकॉग्नाइज करेगा जिसमें कि उसने कट लगाना है. एनसीईआरटी लाइन हम दोबारा से पढ़ेंगे, फिर देखेंगे. ठीक है, राइट. जैसे कोई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, राइट, वो क्या करेगा, डीएनए को रीड करता है. ठीक है, डीएनए को रीड करता है, ये उसकी रेकॉग्निशन साइट है, ये उसकी रेकॉग्निशन साइट है. उसे जहां पे ऐसा सीक्वेंस मिल गया, ठीक है, उसने वो सीक्वेंस को फाइंड करना है, फिर क्या करना है, कट लगाना है. ठीक है, फाइंड करना है, फिर क्या करना है, कट लगाना है. कट भी सभी अपने जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है मोर देन 900 है, राइट, बट अदर डाटा तो बता रहा है कि 3500 है मोर देन, अपनी एनसीईआरटी जितना बता रही है, आई एम टेलिंग यू दैट. ठीक है, तो मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, तो उन सभी ने क्या है, उन सभी का रिकॉग्निशन साइट अलग अलग होगा, जो रिकॉग्नाइज करना है जहां पे उसने कट लगाना है, और फिर जो कट भी लगाना है किस बेस पेयर्स के बीच कट लगाना है, सभी का अपना अपना स्पेसिफिक होगा. ठीक है, हम कुछ एग्जांपल्स में आपको दिखवाऊंगे. अब हम ये चेक करते हैं, आप देखो डन हो गया फिर अपना टाइप्स ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. एक और टाइप से कर सकते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 बताया होता है. ठीक है, टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 3 टाइप के करेंगे हम. टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, टाइप 2 एंड द टाइप 3. ठीक है, अब मान लो यहाँ पे ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स है, डीएनए है ये. ठीक है, ये क्या है, डीएनए प्रेजेंट है अपना, राइट, डीएनए प्रेजेंट है 5 एंड इसका ये 3 एंड. ऐसी दूसरा हम बना लेते हैं, इसकी स्टैंड है जो, ये इसका सेकंड स्टैंड हो गया, सेकंड स्टैंड हो गया. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 3 एंड एंड द 5 एंड. ठीक है, राइट, एक तो होते हैं टाइप 1, टाइप 2 एंड द टाइप 3, राइट. जो टाइप 2 होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप 2 है, क्योंकि हमें ये चाहिए बायोटेक्नोलॉजी में. ठीक है, एक होते हैं टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंड एक होंगे टाइप 3, टाइप 3. ठीक है, टाइप 2 की ही बात करते हैं पहले. जो टाइप 2 है वो क्या करेंगे, ये डीएनए है. ठीक है, डीएनए को रीड करेंगे, जहां पे भी इसकी रिकॉग्निशन साइट मिलगी, है ना, कोई बेस पेयर जैसे हमने पहले किया था, ATP, GGC,
है ना, अपना वो बेस पेयर स्टडी कर लेंगे, वो उसका क्या हो गया, रेकॉग्निशन सीक्वेंस फाइंड करेंगे अपना। पहले तो अपना रेकॉग्निशन सीक्वेंस फाइंड करेंगे, ठीक है, रेकॉग्निशन सीक्वेंस फाइंड कर लिए, ठीक है। अब रेकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, लिख लो इसके बारे में, सीक्वेंस विच इज आइडेंटिफाइड बाय, विच इज आइडेंटिफाइड बाय रिस्ट्रिक्शन ऑन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द रेकॉग्निशन सीक्वेंस, ठीक है। इसने अपना वो सीक्वेंस रेकॉग्नाइज कर लिया, ठीक है, फिर वहीं पे कट लगा दिए, रेकॉग्नाइज कर लिया और वहां पे रेकॉग्निशन सीक्वेंस में कट लगा लिए, ठीक है, राइट। एक होती है रेकॉग्निशन सीक्वेंस या रेकॉग्निशन साइट, एक होती है रिस्ट्रिक्शन साइट क्या है, जिस पे कट लगाया जाता है, ठीक है, अ साइट एट विच कट इज मेड, साइट एट विच कट इज मेड, एट विच डीएनए कट, ठीक है, एंजाइम कट्स द डीएनए, सिंपली लिख लो, ठीक है, राइट। सो एंजाइम क्या करेगा, डीएनए को कट करेगा। सो टाइप टू के लिए तो रेकॉग्निशन सीक्वेंस या रिस्ट्रिक्शन साइट एक ही है, जहां पे रेकॉग्नाइज किया वहीं पे कट लगा दिया, है ना, तो दोनों सेम ही जगह है, रेकॉग्निशन सीक्वेंस रिस्ट्रिक्शन साइट एक ही बात है टाइप टू के लिए। बट जो टाइप वन होता है ना, वो क्या करता है, सपोज उसका क्या होता है, उसने डीएनए पे, उसकी रेकॉग्निशन साइट तो ये है, यहाँ पे रेकॉग्नाइज किया, जहां पे उसने अपना फाइंड ये रेकॉग्नाइज कर लिया, रेकॉग्निशन सीक्वेंस है, रेकॉग्निशन साइट है, वो कहता है कि उससे 100 बेस 1000 बेस पेयर अवे कट लगाना है, ठीक है, ठीक है। उसका अपना ये मेथड है कि जहां पे उसे ये वाला सीक्वेंस मिला उससे 1000 बेस पेयर अवे कट लगाएगा, ठीक है, वो है टाइप वन, ठीक है। जो टाइप थ्री है वो क्या करेगा, ये तो उसकी होगी रेकॉग्निशन साइट, ठीक है, रेकॉग्निशन साइट होगी, कट कहाँ पे लगाएगा, इस रेकॉग्निशन साइट से 20 to 25 बेस पेयर अवे यहां पे कट लगाएगा, ठीक है, यहां पे कट लगाएगा। मीन्स अब हमें क्या पता चलता है, जो टाइप टू है, ठीक है, टाइप टू है उसके लिए क्या है, रेकॉग्निशन साइट एंड रिस्ट्रिक्शन साइट एक ही जगह पे है, ना, एक ही जगह पे है, राइट। जो टाइप वन एंड टाइप थ्री है उसके लिए क्या है, रेकॉग्निशन एंड रिस्ट्रिक्शन साइट्स अलग अलग हैं, रेकॉग्नाइज कहीं और पे करते हैं डीएनए पे, जो रेकॉग्निशन सीक्वेंस है वही, वो कहीं और प्रेजेंट है, रिस्ट्रिक्शन साइट कहीं और प्रेजेंट है, ठीक है। टाइप वन के लिए 1000 बेस पेयर अवे फ्रॉम द रेकॉग्निशन साइट है, रिस्ट्रिक्शन साइट है। जो टाइप थ्री के लिए जो रिस्ट्रिक्शन साइट है वो रेकॉग्निशन सीक्वेंस से 20 to 25 बेस पेयर अवे है, ठीक है, यहां तक। सो जो टाइप टू है, टाइप टू रिस्ट्रिक्शन एंड ओ न्यूक्लियस है, वो बायोटेक्नोलॉजी में यूज किए जाएंगे, राइट, ठीक है, क्योंकि हमने कोई भी एमसीक्यू नहीं छोड़ना, कहीं से भी आ जाए इसका हम डिटेल करेंगे, राइट। अब जो टाइप टू है, पहले हमने किया न्यूक्लियसेस है, न्यूक्लियसेस में भी आरएनए डीएनएस है, हमने डीएनएस ले लिए, उसमें भी एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस है, हमने एंडोन्यूक्लियस ले लिए, एंडोन्यूक्लियस में भी हमने रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफिक ले लिए, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस ले लिए, फिर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस भी टाइप 1, 2, 3 है, हमने टाइप 2 को चूज कर लिया, है ना। जो अब टाइप 2 है ना, वो भी क्या करेंगे आगे, वो भी हम कहते हैं कि 2 टाइप्स के हैं। जो टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, आर ही लिख लेते हैं हम, ठीक है। ये क्या करते हैं, प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ द कट्स, 2 टाइप के कट्स प्रोड्यूस करते हैं, 2 टाइप्स ऑफ कट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। एक तो हो जाते हैं ब्लंट कट, राइट, इसके बाद हम एनसीईआरटी पे आएंगे। एक हो जाते हैं स्टिकी कट,
blunt cut and the sticky cut. ठीक है, राइट. ब्लंट कट एंड द स्टिकी कट. ब्लंट कट क्या होते हैं, देखो ये रिकॉग्निशन साइट या फिर रिस्ट्रिक्शन साइट है, GAATTC. ठीक है, राइट. राइट, ये हो गया. ठीक है, ब्लंट कट में क्या होगा, तो ब्लंट कट में क्या होगा, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने इसे सेंटर में से कट लगाना है. ठीक है, इस रिकॉग्निशन साइट के सेंटर में कट लगाना है. तो अब कैसा डीएनए प्रोड्यूस हो गया कट के बाद, दिस वन. ठीक है, इस टाइप के ये दो फ्रेगमेंट्स प्रोड्यूस हो गए. ठीक है, राइट. तो यहाँ पे ये फॉस्फोएस्टर बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगी, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगी, और इनके बीच ना हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी होती है. फॉस्फोएस्टर तो यहाँ पे होगी ना, ठीक है, फॉस्फोएस्टर तो जहाँ पे होगी यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो जाती है. यहाँ पे क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ठीक है, जहाँ पे फॉस्फोएस्टर बॉन्ड ही ब्रेक हुई है ब्लंट कट में, बट कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं हुई. ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं हुई, राइट. तो इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है जेनेटिक्स में, बायोटेक्नोलॉजी में. हमने वो डीएनए, वो आरई लेने हैं जो कि स्टिकी एंड्स बनाते हैं डीएनए में. अब स्टिकी एंड्स कैसे है, स्टिकी एंड्स की बात करेंगे. पहले यहाँ पे एक पॉइंट लिख लो, यहाँ पे टू फॉस्फो एस्टर बॉन्ड्स ब्रेक, टू फॉस्फो एस्टर बॉन्ड्स ब्रेक, ब्रेक, राइट, एंड नो हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक. कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं हुई है, ओनली टू फॉस्फोएस्टर बॉन्ड्स ब्रेक हुई है ना, एक यहां से एक यहां से. ठीक है, टू फॉस्फोएस्टर बॉन्ड्स ब्रेक हुई है ओनली. ओके, तो अब स्टिकी एंड्स कैसे बनेंगे, ये स्टिकी एंड्स नेक्स्ट पेज पे ले रही हूं मैं. ठीक है, स्टिकी एंड्स नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, मैं भी यहीं पे बना लेते हैं. स्टिकी एंड्स कैसे बनेंगे, फिर से हम बात करें इसी की, GAATTC, राइट, CTTAAG, यही है 5 and 3 and 3' and the 5'. ठीक है, तो अब क्या करेगा, जो रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस जहां पे कट लगा देगा, वहां पे कट लगा देगा, बिटवीन द CNT के बीच कट लगाएगा, जो रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस CNT के बीच. ठीक है, राइट, CNT के बीच कट लगाएगा, ऐसे क्वेश्चन कटेगा. इसे मैं ज्यादा अप्रोप्रिएट आपको NCERT वाली बुक है ना जो, ठीक है, तो ऐसे दो फीचर्स बन जाएंगे, ऐसे दो पार्ट्स बन जाएंगे. ठीक है, कट एक तो यहाँ पे लगा CNT के बीच, एक यहाँ पे लगा CNT के बीच. ठीक है, तो ऐसे दो फ्रेगमेंट्स बन गए हैं. ठीक है, ऐसे दो फ्रेगमेंट्स बन गए हैं, राइट. यहाँ पे आ जाएगा GAGATTC, राइट, एंड यहाँ पे C, और इधर आ गया TTAAGNC. ठीक है, सो ऐसे एंड्स को क्या कहते हैं, स्टिकी एंड्स बोलते हैं, जहां पे डबल स्टैंड ही बन रहे हैं ओनली, और यहाँ पे सिंगल स्टैंड बन रहे हैं ना, ये सिंगल स्टैंड बन गया इतना, और इतना सिंगल स्टैंड बन गया. ठीक है, तो स्टिकी एंड्स बन रहे हैं यहाँ पे. यहाँ पे क्या होगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड्स भी ब्रेक होंगी. ठीक है, और इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स थी वो भी ब्रेक होगी, इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो भी ब्रेक होंगी. अगर हाइड्रोजन बॉन्ड को काउंट करें कितनी ब्रेक हुई, देखो इनके बीच कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती है, 3, इनके बीच भी 3 होती है एंड्स वाले हैं जो, और इनके बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होंगी, है ना, प्रेजेंट है. ठीक है, राइट, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है. तो कौन सी हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हुई, जस्ट ये वाली, तो कितनी होगी है, 8 हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होंगी, 8 हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हुई. ठीक है, सिंपल सा ये क्वेश्चन डाल सकते हैं, कितनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हुई इसमें, या फिर कितनी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड्स ब्रेक हुई,
ठीक है, फॉस्फोएस्टर तो दो ही हुई, फॉस्फोएस्टर। हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितनी ब्रेक हो गई? 8 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, राइट? ठीक है, तो ब्लंट एंड्स, स्टिकी एंड्स। एक होता पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, इसकी भी बात कर लें। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होता है? जो रेकॉग्निशन सीक्वेंसेस होते हैं ना, जहां पे कट लगाना है डीएनए ने, है ना, जहां पे डीएनए ने कट लगाना है, राइट, वो क्या होते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस ही होते हैं। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या हो गए कि वो 5 to 3 जब भी हम स्टडी करते हैं, चाहे इस साइड से चाहे इस साइड से, सेम ही सीक्वेंस होता है। ये देखो आप 5 to 3 एक स्टैंड से स्टडी करो, जी ए ए टी टी सी, है ना, दूसरे स्टैंड पे स्टडी करो, जी ए ए टी टी सी। ये पैलिंड्रोमिक, जो भी डीएनए रेकोगनाइज करेगा ना, वो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को ही रेकोगनाइज करेगा। पैलिंड्रोमिक वो होते हैं जो से 5 to 3 किसी भी स्टैंड पे स्टडी कर रहे हो, सेम ही सीक्वेंस होगा, ठीक है, राइट। दोज आर द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, ठीक है। सपोज ये डीएनए है, एक डीएनए है, इस पे मान लो कितने भी डीएनए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हो सकते हैं। इस पे मान लो कि 4 पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस हैं, जहां पे डीएनए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज़ उसे काट सकते हैं, ठीक है, उसे काट सकते हैं। सो इन 4 साइट्स पे अगर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने इसे कट कर दिया ये सर्कुलर डीएनए को, तो कितने फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे भाई, कितने फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, टेल मी। ये 4 रेकॉग्निशन साइट्स हैं, ठीक है, राइट। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने कंप्लीटली डाइजेस्ट कर दिए, मींस इन 4 साइट्स पे कट लगा दिए, तो कितने फ्रेगमेंट्स बन गए, कोई तो बताओ, किसी को नहीं पता चल रहा। 4 बन गए, 4 बन गए, 8 कितने बन रहे हैं, 4 बन जाएंगे, 1 यहाँ पे कट लग गया, यहाँ पे कट लग गया, कितने पीसेस हो गए, 4 पीसेस हो गए, ठीक है। अगर यही होता लीनियर, लीनियर होता है ना, उसपे हम 4 बना लेते हैं, 4 रेकॉग्निशन साइट्स, लीनियर डीएनए होता, उसपे उसे कंप्लीटली डाइजेस्ट कर दिया जाता, मींस सभी पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट लगा देते, तो कितने फ्रेगमेंट्स बनते, कितने बोलो, 5 बन जाते, ठीक है। ये याद रखना है आपने, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, डन। देखो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस बन रहे हैं, ये देखो, ये है एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ये है वेक्टर डीएनए, ठीक है, जो वेक्टर डीएनए है, प्लास्मिड का डीएनए, ये है फॉरेन डीएनए, ये ले लिया फॉरेन डीएनए, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या करें हम, इको आर वन से, इको आर वन है जो, दैट वन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करें, इको आर वन, इको आर वन का जो रेकॉग्निशन सीक्वेंस है क्या है, जी ए टी टी सी, जिसकी हम बार बार एग्जाम्पल ले रहे थे, जी ए टी टी सी, ठीक है, जी ए टी टी सी, ठीक है, इसकी एग्जाम्पल दे रहे थे। तो ये क्या करेगा, जी ए के बीच में कट लगाता है, ठीक है, ये कट कहाँ पे लगाएगा, जी ए के बीच में, ठीक है, इसने रेकोगनाइज करना है जी ए टी टी सी, फिर जी एंड ए के बीच कट लगाना है, ठीक है, जी एंड ए के बीच कट लगाना है। आज सेम ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हम पिछले लेक्चर में बात करके आए हैं, दोनों को, वेक्टर डीएनए को भी, फॉरेन डीएनए को भी काटने के लिए यूज किया जाएगा सेम ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, राइट। अब देखो इस पे यूज किए, जब यहाँ जी एंड ए के बीच कट लगा दिए, और फॉरेन डीएनए पे भी जी एंड ए के बीच कट लगा दिए। अब आप देखो इतना पोर्शन इसका उतार दें हम, कट लगा दिए, इसको उतार के फेंक दे एक तरह का, ठीक है, तो इतना पोर्शन रह गया, ये रह गया, है ना, जहां से हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक होगी, फास्फोड एस्टर बॉन्ड्स ब्रेक होगी, और फॉरेन डीएनए पे भी जी एंड ए के बीच कट लगा, तो ये वाला पोर्शन, इतना वाला काट के फेंक दो आप, ओके। तो यहां पे हमने क्या किया, इतना काट दिया, ठीक है, इतना काट के क्या किया, फेंक दिया। अब देखो ये सिंगल स्टैंड बन गए यहाँ पे, ये सिंगल स्टैंड है, ये सिंगल स्टैंड है, दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर,
टी ए के साथ बाइंड कर सकता है, टी ए के साथ बाइंड कर सकता है, ए ए इन टी टी के साथ बाइंड कर जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरह क्या हो गया, वेक्टर डीएनए एंड फॉरेन डीएनए के जो ये वाले जो पार्ट्स हैं, स्टिकी एंड्स हैं, इन्हें क्या हम ज्वाइन करवा सकते हैं। ठीक है, डीएनए फ्रेगमेंट्स ज्वाइन एट स्टिकी एंड्स, स्टिकी एंड्स इसीलिए बनाने थे सो दैट फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए को हम ज्वाइन कर सकें। ठीक है, तो स्टिकी एंड्स पे फॉरेन डीएनए एंड वेक्टर डीएनए ज्वाइन हो गया तो क्या बन गया, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया इस तरह से, है ना। अब आपको पता चल गया ना कि जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था कि वेक्टर डीएनए एंड फॉरेन डीएनए को काटने के लिए सेम ही रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करते हैं। ठीक है, इको आर वन यूज किया, क्यों सेम यूज किया, सो दैट सेम रिकॉग्निशन साइट को रिकॉग्नाइज करे एंड सेम ही जगह पे कट लगाए, एंड सो दैट जो स्टिकी एंड्स बने वो कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, राइट। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हम एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ लेते हैं अबाउट द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, अबाउट द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब ये ओपन कर लो अपना पेज, दिस वन रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। वैसे मैंने आपको सारा ओवरव्यू दे दिया बट चलो अब ये लाइंस भी हम पढ़ लेते हैं। कहते क्या है कि 1963 में क्या हुआ, राइट, 1963 में क्या हुआ, जो बैक्टीरिया ईकोलाई, बैक्टीरिया ईकोलाई से क्या हुआ, टू एंजाइम्स आइसोलेट किए गए। ये है बैक्टीरिया ईकोलाई, ठीक है, राइट। इसमें क्या पहले नोटिस किया गया, जो बैक्टीरियोफॉज है, ठीक है, बैक्टीरियोफॉज जब ईकोलाई को इन्फेक्ट कर रहा था, ठीक है, बैक्टीरियोफॉज जब ईकोलाई को इन्फेक्ट कर रहा था तब क्या किया, बैक्टीरिया उसकी ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर रहा था, मीन्स बैक्टीरियोफॉज को अपने अंदर ग्रो नहीं होने दे रहा था। ठीक है, मीन्स इसका रीजन क्या है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, इसका रीजन होम करने के लिए, पता करने के लिए अपने कर रहे थे एक्सपेरिमेंट्स करते हुए उन्हें क्या हुआ, इस बैक्टीरिया से दो एंजाइम्स मिले, दो एंजाइम्स उन्होंने आइसोलेट किए बैक्टीरिया से। जो एक एंजाइम था, एक एंजाइम का तो क्या काम था, वन ऑफ दीज एडेड मिथाइल ग्रुप्स टू डीएनए, एक तो क्या कर रहा था, डीएनए में मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था, एंड जो दूसरा था वो क्या कर रहा था, डीएनए को कट कर रहा था। जो दिस वन है, जो डीएनए को कट कर रहा था, उसे क्या बोल दिया, रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लिएज, एक को तो बोल दिया रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लिएज, जो क्या करेगा, डीएनए को कट करेगा। दूसरे एंजाइम का नाम क्या था, मिथाइलेज, मिथाइलेज जो क्या करता था, डीएनए में यूजली ए एंड सी साइट पे होते ना, एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन, ए एंड सी साइट पे क्या करता है, मिथाइल ऐड कर देता है। ठीक है, दोनों का काम क्या है, दोनों का काम क्या है कि जो बैक्टीरियोफॉज है वो बैक्टीरिया के अंदर ग्रो ना हो, दोनों का पर्पस सही है, सेम है। ठीक है, अब अच्छा ये बात बताओ मुझे, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसेस है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएसेस है वो किस पे प्रेजेंट होते हैं, मीन्स प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, लाइक वी कैन से बैक्टीरिया में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, या फिर यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है, या फिर वायरस पे प्रेजेंट है, जो सभी जगह प्रेजेंट होते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएस। जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएस है ना, जस्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है। क्यों, प्रोकैरियोट्स पे क्या काम है इनका रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएस का, एक्चुअली ये क्या है, इसमें बैक्टीरिया में डिफेंस के लिए प्रेजेंट होते हैं, मीन्स बैक्टीरिया को बैक्टीरियोफॉज से बचाने के लिए होते हैं। जब भी बैक्टीरियोफॉज का जेनेटिक मटीरियल बैक्टीरिया के अंदर जाएगा तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है इसके, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएस है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएस है वो क्या करेंगे, वायरस के जेनेटिक मटेरियल को काट देंगे। काट दिया तो खराब हो गया जेनेटिक मटेरियल, वायरस तो अंदर कुछ नहीं कर पाएगा, फिर ग्रो नहीं हो पाएगा बैक्टीरिया के, ठीक है, कोई इन्फेक्शन नहीं कॉज कर पाएगा, तो बैक्टीरिया उससे बच गया।
अब ये क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये रिस्ट्रिक्शन जो एंडो न्यूक्लियस है, अगर वायरस के डीएनए को काट सकता है, ठीक है, अगर रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस वायरस के डीएनए को काट सकता है तो ये बैक्टीरिया के डीएनए को भी तो काट सकता था, है ना, उसे भी तो इनएक्टिवेट कर देता काट के, बट उसके लिए क्या है, दिस मिथाइलेज इज देयर, दिस मिथाइलेज इज देयर, मिथाइलेज क्या करेगा, जो बैक्टीरिया का डीएनए है ना, बैक्टीरिया का डीएनए है राइट, उसमें ये पड़े हुए अपने नाइट्रोजिनस बेस, तो यहां पे क्या करेगा, ए एंड सी साइट पे मिथाइल ग्रुप अटैच कर देगा, मिथाइल ग्रुप अटैच कर देगा। अब जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ठीक है, वो ऐसे वाले डीएनए को जिसमें मिथाइल ग्रुप अटैच है उसे नहीं काट सकता, ठीक है, जो विदाउट मिथाइल ग्रुप है जैसे वायरस का डीएनए उसे ही काटेगा, ठीक है। तो इस तरह से बैक्टीरिया जो है अपने आप को सेव कर लेते हैं और जो वायरस का डीएनए वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, यहां तक। फिर आगे चलते हैं, द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, जो फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था उसका नाम क्या था, हेंड टू, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा आपको कि फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो डिस्कवर हुआ उसका नाम क्या, हेंड टू, whose functioning dependent on specific DNA nucleotide sequence was isolated, okay? Hind 2 first discover हुआ, जिसकी की functioning किस पे depend कर रही थी, specific DNA nucleotide sequence पे depend कर रही थी इसकी functioning, ठीक है, इसे isolate किया गया, right? And sorry, characterized 5 years later, right? जो sequence है, जो इसकी functioning को control कर रहे हैं Hind 2 की, उसे आइसोलेट किया गया एंड 5 years बाद मींस 1968 में उसे क्या किया गया, करेक्टराइज्ड किया गया, करेक्टराइज्ड मतलब बताया गया कि कौन सा ये सीक्वेंस है और कहां पे उसमें कट लगता है, सीक्वेंस कौन सा है एक्चुअली, वो दिस वन, 6 base pairs का सीक्वेंस है, GTC GAC, ठीक है, CAG CTG, 5-end, 3-end, 3-end, 5-end, ठीक है। तो हिंड 2 में क्या है, ये वाला इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है हिंड 2 में, ठीक है, राइट। इट वाज फाउंड दैट हिंड 2 ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, मींस हिंड 2 है जो किसी भी डीएनए को, ये वाला रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, किसी भी डीएनए में जहां पे उसने कट लगाना है ये वाला बेस पेयर क्या करेगा, फाइंड करेगा एंड देन सी एंड जी के बीच कट लगाएगा, सी एंड जी के बीच कट लगाएगा, मींस ब्लंट एंड्स बनाएगा, ठीक है, सी एंड जी के बीच कट लगाएगा, राइट। सो इट वॉज फाउंड दैट हिंड टू ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट by recognizing a specific sequence of 6 base pairs. कौन सा sequence याद रखना है, GTC GAC, right? GTC GAC, GC GC तो है ही है, government college याद रख लो, बीच में T and A आ गए, ठीक है, GC GC TA, right? याद रखना ये. So this specific base sequence is known as the recognition sequence for Hind 2. Beside Hind 2, today we know more than 900 restriction enzymes that have been isolated from over 230 strains of bacteria, each of which recognize different recognition sequences. कहते अभी तक क्या हो गया? More than 900 restriction enzymes है जो isolate कर लिए गए. किससे isolate कर लिए गए? Over 230 strains of bacteria. ठीक है, बैक्टीरिया की 230 टाइप से, डिफरेंट टाइप के 230 टाइप्स के बैक्टीरिया हैं, उनसे ये क्या कर लिए गए, आइसोलेट कर लिए गए 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, एंड जो ये 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, ये इन सभी का जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो डिफरेंट है, ठीक है। सो ये डिफरेंट जो है डीएनए पे सीक्वेंस पड़े हुए हैं जिन्हें ये रिकॉग्नाइज करते हैं और वहां पे कट लगाते हैं, ठीक है। सो कन्वेंशन फॉर नेमिंग दीज एंजाइम्स, तो इन एंजाइम को नेम कैसे किया जाता है,
नेमिंग इनकी कैसे की जाती है, जैसे एक और एंजाइम है ECOR1, ठीक है, ECOR1, ओके, जो ECOR1 है इसका नेम कैसे रखा गया, ये इशर्शिया कोलाई बैक्टीरिया से डिस्कवर हुआ, आइसोलेट किया गया, ठीक है, इशर्शिया कोलाई बैक्टीरिया है, ये इसका जीनस है, ये इसकी स्पीशीज है, ये इसका स्ट्रेन है, ठीक है। सो जो नेम है ना, ठीक है, नेम रखा जाता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का, उसमें जो फर्स्ट लेटर है दैट इज टेकन फ्रॉम द जीनस, जीनस किसका, जिस ऑर्गेनिज्म से ये आइसोलेट किया गया, ठीक है। अगले दो लेटर्स हैं जो वो किससे डिराइव किए गए, किससे लिए गए, जो उसका स्पीशीज है, जैसे इशर्शिया से ई ले लिया, कोलाई से सीओ ले लिया। अब यहाँ पे नोटिस करो ई को कैपिटल लिखेंगे, है ना, क्योंकि ये किससे लिया है, जीनस से लिया है, जेनरिक नेम को हम कैपिटल से लिखते हैं फर्स्ट लेटर को उसके, एंड नेक्स्ट टू लेटर स्मॉल लिखेंगे क्योंकि ये स्पीशीज को दर्शाते हैं, ठीक है। फिर आगे आर ले लिया, आर कहाँ से लिया, इसके स्ट्रेन से ले लिया, RY13 ये इसका स्ट्रेन है, आर ले लिया स्ट्रेन से। फिर पीछे रोमन लेटर्स में वन लिखा है, ठीक है, जो भी नंबर लिखते हैं पीछे वन टू जितना भी, ठीक है, वो क्या होता है, क्या इंडिकेट करता है, इंडिकेट करता है ऑर्डर, इंडिकेट करता है जिस ऑर्डर में एंजाइम को बैक्टीरियल स्ट्रेन से आइसोलेट किया गया, ठीक है, वो ऑर्डर है ये, वन और टू पीछे लिखा होता है कि जिस ऑर्डर में इस एंजाइम को बैक्टीरियल स्ट्रेन से आइसोलेट किया गया, ठीक है। सो इको आर वन इशर्शिया कोलाई RY13 एंड फर्स्ट ये बैक्टीरिया था जो इशर्शिया कोलाई R1 13 से आइसोलेट किया गया, एंड इसका हम पीछे करके ही आए हैं। सो इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है इको आर वन का, GATTC, है ना, इको आर वन का क्या है, नेक्स्ट पेज पे जो डायग्राम है वहां पे हमने किया ना, GATTC, राइट, GATTC यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगा, GAATTC 5 and 3 and 3 and 5 and, कट कहाँ पे लगाएगा, जी एंड ए के बीच, ठीक है, राइट। सो इको आर आई क्या बनाता है, ब्लंट एंड्स बनाता है, राइट, सॉरी स्टिकी एंड्स बनाता है, इको आर वन स्टिकी एंड्स बना रहा है, जो हिंड टू है वो क्या बना रहा है, ब्लंट एंड्स, वो क्या बना रहा है, ब्लंट एंड्स बना रहा है, राइट, वो क्या बना रहा है, ब्लंट एंड्स बना रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज भी देख लेते हैं, बट हमने ऑलमोस्ट कर लिया है वो ऑलरेडी, नेक्स्ट पेज निकाल लो, दिस वन, ठीक है। ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शंस बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ डीएनए सीक्वेंस, कैसे काम करता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, पहले डीएनए लेंथ को इंस्पेक्ट करेगा, जितनी भी डीएनए लेंथ है, जितने भी वहां पे पड़े हुए अपने न्यूक्लियोटाइड्स, उनको ऐसे स्टडी करेगा, पढ़ता जाएगा, जहां पे उसका स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस आ गया वहां पे वो रुक जाएगा, ठीक है। इट विल बाइंड टू द डीएनए वंस इट फाइंड्स इट्स स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, जब इसे अपना रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिल गया तब क्या करेगा, ये डीएनए से बाइंड कर जाएगा एंड कट ईच ऑफ द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डबल हेलिक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट्स इन देयर शुगर फॉस्फेट बैकबोन्स, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उसे फाइंड कर लेगा अपने रिकॉग्निशन सीक्वेंस को एंड दोनों स्ट्रैंड्स को काट देगा, कहां पे, जहां पे उसकी शुगर फॉस्फेट बैकबोन बनी हुई है, जहां पे हमने कहा था कि एस्टर बॉन्ड्स बनी हुई है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड्स बनी हुई है, ठीक है, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड्स पे ये कट करेगा, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड्स, ठीक है, राइट। ईच रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइजेस अ स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस इन द डीएनए। सो ये जो भी रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होंगे वो पैलिंड्रोमिक ही होते हैं, ठीक है, पैलिंड्रोमिक ही होंगे। 5-3 एंड पे अगर हम इसे रीड करते हैं दोनों स्टैंड्स पे, दान क्या होगा, सेम सीक्वेंस होगा, GAATTC, GAATTC, है ना,
सेम सीक्वेंस इनका होगा, ठीक है। जैसे हम ये वाला ले लें, सपोज आपको लगेगा कहीं सारे ही पैलिंड्रोमिक होते हैं, जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस होते हैं वो पैलिंड्रोमिक होते हैं, ऐसे नहीं कि डीएनए पे कुछ कहीं भी कुछ भी सीक्वेंस ले ले वो पैलिंड्रोमिक ही होगा। ये देखो ये तो पैलिंड्रोमिक नहीं है, अगर ऐसा सीक्वेंस होता दिस इज नॉट पैलिंड्रोमिक, ठीक है, दिस इज नॉट पैलिंड्रोमिक एंड दिस इज पैलिंड्रोमिक, ठीक है, राइट, दिस इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अभी मैं आपको देखो 900 जो एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर हुए हैं उससे ज्यादा हो गए हैं, एनसीईआरटी में 900 का काउंट दिया है तो हमें वही लर्न करना है, बट मैं आपको कुछ लिखवा देती हूँ, राइट। आपको पता होना चाहिए कौन से स्टिकी एंड बना रहे हैं एंड कौन से ब्लंट एंड्स बना रहे हैं, हम थोड़े से और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस लिख लेते हैं अभी, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको लिखवा देती हूँ, हम टेबल बना लेते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम माइक्रोबियल सोर्स लिखेंगे उसका, ठीक है, देन सीक्वेंस एंड साइड ऑफ क्लीवेज, सीक्वेंस एंड साइट ऑफ क्लीवेज एंड एंड्स कौन से बन रहे हैं, ब्लंट एंड्स या स्टिकी एंड्स, ठीक है। पहले आप लिख लो रिस्ट्रिक्शन साइट, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, डन। देन आप लिखो माइक्रोबियल सोर्स क्या है इसका, माइक्रोबियल, माइक्रोबियल सोर्स, ओके। देन सीक्वेंस एंड साइट ऑफ क्लीवेज, सीक्वेंस क्या है उसके रिकॉग्निशन साइट का, सीक्वेंस एंड साइट ऑफ क्लीवेज, साइट ऑफ क्लीवेज, सीक्वेंस एंड साइट ऑफ क्लीवेज, ठीक है। फिर एक क्लीवेज प्रोडक्ट, क्लीवेज के बाद क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं, क्लीवेज प्रोडक्ट, ठीक है, क्लीवेज प्रोडक्ट। पहले हम लिख रहे हैं नंबर वन पे एलु वन, नंबर वन पे है, नंबर वन पे है एलु, एलु वन, ठीक है। माइक्रोबियल सोर्स कौन से बैक्टीरिया से ये लाइक आप फाइंड करोगे, आइसोलेट करोगे, आर्थ्रोबैक्टर, आर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस, आर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस, ठीक है, आर्थ्रोबैक्टर ल्यूटियस। अब इसका सीक्वेंस क्या है, इसका सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस क्या है, ए जी सी टी, ए जी सी टी, राइट, टी सी जी ए, थ्री एंड फाइव एंड तो आप लिख ही लिया करो वैसे अपने आप, ठीक है। कट कहाँ पे लगाएगा, यहाँ पे, ठीक है, कट कहाँ पे लगाएगा, यहाँ पे। तो अब इसका क्लीवेज प्रोडक्ट क्या बन गया, क्लीवेज के बाद क्या बन गया, ए जी टी सी, ठीक है, एक तो ये प्रोडक्ट बन गया इसका, राइट, और दूसरा क्या बन गया, सी टी जी ए, सी टी जी ए। तो कैसे एंड्स बन गए ये, ब्लंट एंड्स, तो कैसे एंड्स बन गए ये, ब्लंट एंड्स, ठीक है, राइट। अब हम सेकेंड लिख रहे हैं, सेकेंड लिख लेते हैं हम, जस्ट, ठीक है, ये हो गया। अभी सेकेंड लिखो आप बैम एच वन, बैम एच, एच वन, बैम एच वन, ये किससे डिराइव हुआ, बैसिलस, बैसिलस अमाइलो लिक्विफेशन, लिक्विफेशन, लिक्विफेशियंस इस बैक्टीरिया से, ठीक है। तो इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, जी जी ए, इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, जी जी ए टी सी सी, टी सी सी, सी सी टी,
दिस वन. ठीक है, तो कहां पे कट लगा रहा है ये? बिटवीन द जी एंड जी, बिटवीन द जी एंड जी. तो इससे क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? ये भी कट लगेगा, दिस वन मीन्स जी सी सी टी ए जी. एक तो ये बन जाएगा, ठीक है. फिर यहां पे कट लगा के क्या बन जाएगा, थोड़ा साइड पे बना देती हूँ मैं, जी ए टी सी सी, ठीक है, एंड जी. ये दो प्रोडक्ट बन गए, ठीक है. तो ये कैसे एंड्स बन गए? स्टिकी एंड्स. ठीक है, जो नेक्स्ट वाले में लिखूंगी ये प्रोडक्ट नहीं लिखूंगी, बस ब्लंट एंड स्टिकी एंड्स लिख दूंगी. स्टिकी एंड्स आपको यही याद होना चाहिए कि ब्लंट एंड्स कौन बना रहा है, स्टिकी एंड्स कौन बना रहा है ना. अब नेक्स्ट है इको आर वन. इको आर वन नेक्स्ट है इको आर वन नंबर थ्री पे. इको आर वन, इको आर वन, ठीक है. सो ये ईशर्ष्य कोलाई, जस्ट वन मिनट. तो ये हो गया ईशर्ष्य कोलाई. तो ई कोलाई से ये ड्राइव होगा, आइसोलेट होगा ई कोलाई, राइट. तो इसका सीक्वेंस आपको पता ही है, कितना हम बात करके आएंगे इसकी, जी जी ए ए टी 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 सी, ठीक है. सो जी ए ए टी टी सी दोनों तरफ फाइव टू थ्री एंड अप पढ़ो, फाइव टू थ्री एंड पढ़ोगे अब तो क्या होगा, जी ए ए टी टी सी फाइव टू थ्री एंड. तो कट लगाएगा ये बिटवीन द जी एंड ए, प्रोडक्ट अभी आप खुद लिख सकते हो इसका. तो कौन से एंड्स बनेंगे? स्टिकी एंड्स, स्टिकी एंड्स बनेंगे, ठीक है, स्टिकी एंड्स बनाएगा ये. फिर आ जाता है इको आर टू, इको आई टू, इको आर टू. फोर्थ नंबर पे लिखो आप इको, इको आर टू. ये भी ईशर्ष्य कोलाई से आइसोलेट हुआ, इसे भी ई कोलाई से आइसोलेट किया गया, ई कोलाई, ठीक है, ई कोलाई से आइसोलेट किया गया इसे भी, राइट. तो इसका रेकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, इसका रेकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है इको आर टू का, सी सी टी जी जी, राइट, जी जी ए सी सी, ठीक है, ये लिख लो आप, राइट. ये जब कट लगाएगा तो इसके ब्लंट एंड्स बनेंगे, दैट्स व्हाई हम इसी की बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, नॉट इसकी, ठीक है. ये ब्लंट एंड्स बनाता है, ब्लंट एंड्स बनेंगे इससे, ठीक है. फिर आप आगे लिखो नेक्स्ट, नेक्स्ट लिख लो आप नंबर फाइव पे, साल वन, साल वन स्टेप टू माइसिस एल्बस. कौन से बैक्टीरिया से ये आइसोलेट होता है? स्टेप टू माइसिस, माइसिस एल्बस, स्टेप टू माइसिस एल्बस. इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है? रेकॉग्निशन सीक्वेंस इसका क्या है? जीटीसी, जीटीसी, जीएसी, ओके, देन सीएजी, सीटीजी, ठीक है, फाइव एंड फाइव डैश, थ्री डैश, थ्री डैश, फाइव डैश. ये लिख लो, ये कट लगाएगा बिटवीन जी एंड टी, बिटवीन जी एंड टी. तो ये भी बनाएगा स्टिकी एंड्स, sticky ends, ठीक है, this will also form the sticky ends, ठीक है. फिर दो और लिख लेते हैं हम, एक तो हो गया हिंड थ्री, ठीक है, हिंड थ्री नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं हम.
that speech. Okay. तो क्या है फिर अभी फाइव कर लिए ना हमने पीछे तो सिक्स वन अभी आप लिखो हिंड थ्री हिंड थ्री हिंड थ्री हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी ये इस बैक्टीरिया से आइसोलेट होता है इट इज प्रोड्यूस्ड बाय दिस बैक्टीरिया हीमोफिलस इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस है ए जी जी सॉरी ए ए जी सी टी टी ठीक है ये आप लिख लो 5, 3, right? तो इसमें भी ये भी हिंड थ्री भी स्टिकी एंड्स बनाता है स्टिकी एंड्स आपको याद है हमने क्या किया था हिंड टू किया था है ना जो एनसीईआरटी में लिखा है जो फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था ऑब्वियसली हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से होगा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से लाइक ये आइसोलेट होगा बट इसका क्या था रेकॉग्निशन सीक्वेंस जीजीसी जीएसी है ना ये वाला था दिस वन ओके जी फाइव एंड थ्री एंड बट ये क्या बनाता था ब्लंट एंड्स यहां पे काटता था ये क्या बना रहा था ब्लंट एंड्स ठीक है जो हिंड थ्री है वो ए ए के बीच में काटेगा ये स्टिकी एंड्स बनाया ठीक फिर अपना एक रह गया एच ए ई बहुत सारे हैं हम कुछ लिख रहे हैं ठीक है तो हीमोफिलस हीमोफिलस एजिप्टियस हीमोफिलस एच लिख देती हूँ एजिप्टियस एजिप्टियस ठीक है तो इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है जी जी सी सी This one. इसका recognition sequence ये है ठीक है तो G and C के बीच कट लगाएगा ये तो इसके भी blunt ends बनने so at least इतना याद कर लो कि कौन से endonucleus है उनका सोर्स क्या है अगर ये सभी का याद भी नहीं हो रहा है hind 2 and eco r 1 का कर लो एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कौन कौन से स्टिकी एंड्स बना रहे हैं और कौन कौन से blunt ends बना रहे हैं ठीक है आपको इतना पता होना चाहिए राइट सो हमने ये सारा क्वेश्चन कर लिया दस वन ये अपना हो गया ये मलयालम मैडम क्या लिखा मीन्स किसी भी साइड से हम ऐसे पढ़ेंगे पैलिंड्रोमिक्स मतलब मैडम या मलयालम है ना को तो दोनों तरफ से ही एम ए डी एम ए डी ए एम पीछे से पढ़ो आप सेम ही वर्ड बनता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस को समझाने के लिए जस्ट लिखा है ओके तो और देखते हैं बस ये तो वही है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स कट द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट्स है ना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं तो कहां से कट करते हैं डीएनए को जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है उसके सेंटर से परे यहाँ पे जो यहाँ पे काटेंगे बिल्कुल सेंटर से नहीं काटते अगर सेंटर से काटेंगे तो क्या हो जाएगा ब्लंट एंड्स बन जाएंगे ठीक है ब्लंट एंड्स का ज्यादा यूज नहीं है बायोटेक्नोलॉजी में हमें उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है यहाँ पे ठीक है सो राइट बट बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन द अपोजिट स्टैंड्स दिस लीव्स सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शंस एट द एंड्स देयर आर ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस जो ओवरहैंगिंग ऐसे स्ट्रेचेस बन रहे थे ना ये सिंगल स्टैंड बन रहे थे उसे क्या बोल दिया स्टिकी एंड्स बोल दिया ठीक है दीज आर नेम्ड सो बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट है ना जो कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट है इसका उसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेता स्टिक हो जाता है दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्टिकी एंड्स
The stickiness of the ends facilitates the action of enzyme DNA ligase. ठीक है, ये stickiness क्या करती है, जो DNA ligase है जिसने यहाँ पे ester bonds बना देनी है, दोनों को जोड़ना है, उसका काम ये क्या कर देता है, easy कर देता है. ठीक है, so restriction endonucleases are used in genetic engineering to form recombinant molecule of the DNA, rDNA, which are composed of DNA from different sources or the genomes, right? नीचे वाला ये हमने किया ना, ये सारी डायग्राम आपको करवाई है मैंने, है ना? तो ये सारा क्या rDNA बन गया, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था. ठीक है, सो नाउ अप टू हेयर हो गया, तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे करते हैं हम. ओके, कोई भी डाउट्स हो यू कैन आस्क मी एनी टाइम.